देशभर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच कोविड 19 मरीजों और महामारी से ठीक हो चुके लोगों में बढ़ रहे म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के खतरे ने चिंता बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस को लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और कई अहम जानकारियां दी है। सबसे पहले जानते हैं कि ये म्यूकोमाइकोसिस क्या है। म्यूकोमाइकोसिस ब्लैक फंगस या काली फफूंद एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। ये म्यूका फफूंद के कारण होता है जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। अब कोविड 19 के कई मरीजों में फंगस इन्फेक्शन की शिकायत देखी गई है। इस फंगस इन्फेक्शन को ब्लैक फंगस यानी म्यूकोमाइकोसिस कहते हैं। ये फंगस अक्सर गीले सरफेस पर ही होती है। अब जानते हैं ब्लैक फंगस के लक्षण। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की पहचान इसके लक्षणों से की जा सकती है। इसमें नाक बंद हो जाना, नाक व आंख के आसपास दर्द व लाल होना, बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस फूलना, खून की उल्टियां, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना और कंफ्यूजन की स्थिति शामिल है। अब जानते हैं ब्लैक फंगस का संक्रमण किसे हो सकता है। ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा खतरा शुगर के मरीजों को है और अनियंत्रित शुगर वाले लोगों को हो सकता है। इसके अलावा स्टेरॉइड के इस्तेमाल से रोग प्रतिरोधक क्षमता के कम हो जाने से, लंबे वक्त तक ICU में रहने से, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने से और वोरिकोनाजोल थेरेपी से संक्रमण हो सकता है। अब जानते हैं कोरोना मरीज को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ICMR के अनुसार कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों को हाइपरग्लाइसीमिया पर नियंत्रण करना जरूरी है। इसके अलावा डायबिटिक मरीजों को ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना चाहिए। स्टेरॉइड लेते वक्त सही समय, सही डोज और अवधि का ध्यान रखें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान साफ पानी का इस्तेमाल करें। अगर मरीज एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें भी सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना मरीजों को भूल कर भी ये काम नहीं करना चाहिए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया है कि ब्लैक फंगस के किसी भी लक्षण को हल्के में ना लें। कोविड के इलाज के बाद नाक बंद होने को बैक्टीरियल साइनसाइटिस नहीं माने और लक्षण के नजर आने पर तुरंत जरूरी जांच कराएं। म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का इलाज अपने आप करने की कोशिश ना करें और ना ही इसमें समय बर्बाद करें। अब जानते हैं कि कोरोना मरीजों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ICMR के अनुसार कोरोना संक्रमितों या ठीक हो चुके लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए। कोरोना मरीज साफ सफाई का खास ख्याल रखें और रोजाना नहाएं। इसके अलावा धूल वाली जगहों पर मास्क जरूर लगाएं। मिट्टी में काम करते वक्त जूते जरूर पहने। गार्डनिंग करते समय भी हाथों पैरों को ढकने वाले कपड़े और ग्लव्स जरूर पहने। चलिए अब जानते हैं कि ब्लैक फंगस का इलाज क्या है। ब्लैक फंगस का इलाज एंटीफंगल दवाओं से होता है, लेकिन अंततः सर्जरी करानी पड़ सकती है। डॉक्टर कहते हैं कि इस रोग में डायबिटीज कंट्रोल करना परमावश्यक है। मरीज की स्टेरॉइड वाली दवाएं कम करनी होंगी और इम्यूनामोड्यूलेटिंग ड्रग्स बंद करने होंगे। सर्जरी से पहले शरीर में जल की समुचित मात्रा मेंटेन करने के लिए एम्फोटेरिसिन बी देने से पहले 4-6 हफ्ते IV प्रणाली के जरिए सेलाइन वाटर चढ़ाना होगा। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अस्पताल से मुक्ति के बाद कोविड मरीज का डायबिटीज कंट्रोल और स्टेरॉइड्स की संतुलित मात्रा बहुत आवश्यक है। ब्लैक फंगस के इलाज में एक स्पेशल टीम को जुटना पड़ता है। इसमें मेडिसिन के एक्सपर्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, आंख के डॉक्टर, ENT वाले, डेंटिस्ट और कई तरह के सर्जन होते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई सभी जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।